Welcome to my YouTube channel. Today I am going to share some motivational tips for the students who are preparing for the exams. सबसे पहला टिप ये है, सेट योर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, कितने मार्क्स आप अचीव करना चाहते हैं और कितना मार्क्स आपका टारगेट है। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लान एवरीथिंग। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने गोल तक पहुँच जाएंगे। थर्ड, फोकस ऑन दी एंड गेम। आपको पता है कि अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, तो आप अपने हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। फोर्थ, प्लीज़ रिवॉर्ड योर सेल्फ। कई लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि हम जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होंगे हम अपनी फेवरेट कोई चीज़ नहीं करेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, खुद को टॉर्चर ना करें। फिफ्थ, रिमेंबर योर स्ट्रेंथ्स, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आप किन चीज़ों को देख के मोटिवेटेड होते हैं। सिक्स, एक्नॉलेज एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस। आपको पता है कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, यू आर अ बेटर जज ऑफ योर सेल्फ, प्लीज़ वर्क ऑन योर वीकनेसेस। आपको पता है कि किस टॉपिक पे कहाँ जाके आप अटक सकते हैं। सेवन, लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ। ये समय ऐसा है जब आप एग्जाम्स दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाते, रिलैक्स, चिल, जो आप अच्छे से कर पा रहे हैं उसको अच्छे से करिए। जिन टॉपिक्स में आपको डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर टीचर्स एंड बी मोटिवेटेड। नेक्स्ट, ड्रीम फॉर द फ्यूचर। आपको कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा को फॉलो करते हैं, तो यू हैव टू थिंक बिग एंड यू हैव टू ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। अगर आप टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसको इंजॉय करके करिए, यू विल फील रिलैक्स्ड और आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं होगा, जस्ट फिनिशिंग द टॉपिक का प्रेशर ना होगा, आप उस मोमेंट को, उस एग्जामिनेशन को इंजॉय कर पाएंगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी देना चाहूँगा। वंस माई स्टूडेंट आस्क्ड मी, सर डू यू बिलीव इन गॉड, और मैंने कहा कि हाँ एवरीबडी डज बट आई डोंट नो। सो शी सेड, क्या आपने भगवान को कभी देखा है? मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, भगवान को किसने देखा है? तो बोले डू यू बिलीव इन योरसेल्फ, मैंने कहा दैट्स अ क्वेश्चन। तो बोली कि आप मिरर में खुद को देखते हो, एंड आई लिटरली हैड गूज़बम्स एट दैट टाइम, एंड दिस इज अ रियल एक्सपीरियंस आई हैड। जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो क्यों हम अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं रखते, जबकि भगवान को हमने नहीं देखा और भगवान में हम विश्वास रखते हैं। आई होप मेरा ये मोटिवेशन आप सबके काम आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, मेक ऑल ऑफ अस प्राउड, गुड लक, थैंक यू।